एकता मंच की बैठक आहूत की गई, जिसमें अध्यक्ष मंडल के सारे साथी हमारे आनंद जी है, प्रमोद जी है, भोला जी है, कमर जी है समेत हमारे अध्यक्ष मंडल के साथी का आए, विभिन्न जिला के भी हमारे अध्यक्ष मंडल एवं जिला संयोजक मंच के आए हैं। और जो आज हमारी बैठक थी वो अहम थी, क्योंकि बिहार सरकार ने और शिक्षा विभाग ने पुनः नियोजित शिक्षकों के आंख में धूल झोंकने के लिए सक्षमता परीक्षा द्वितीया लाया है, और यह तब लाया है जब उच्च न्यायालय पटना का फैसला शिक्षकों के लिए सक्षमता परीक्षा की अनिवार्यता को खत्म कर दी गई, यानी शिक्षक को परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं है, और सरकार हमको परीक्षा के नाम पर सेवा से नहीं हटा सकती है अगर हम परीक्षा नहीं देते हैं। और वह जो न्यायालय का आदेश आया 90 दिन समाप्त नहीं हुई है, साथ ही उस आदेश में जो निर्गत की गई आदेश न्यायाधीश उसके आलोक में सरकार ने कोई निर्देश भी जारी नहीं किया है, और सबसे अहम बात है कि यह चुनाव का समय है, आचार संहिता है, शिक्षक मतदान कर्मी के रूप में है, ट्रेनिंग में है, विभिन्न कार्य में लगे हुए हैं, इस दरमियान परीक्षा आयोजन करना एक बड़ी षड्यंत्र है, और षड्यंत्र इसलिए है कि जो न्यायालय ने कही है परिणति का सवाल, वह सारे शिक्षकों को परीक्षा नियोजित शिक्षकों को लेकर हमारे लंबे अवधि तक जो कार्य सेवा हमने दी है उसको समाप्त करना चाहता है, जो 8 वर्ष और 12 वर्ष का जो और 5 वर्ष पर प्रधानाध्यापक का परिणति 3 परिणति के सारे नियोजित शिक्षक हकदार बन चुके हैं, क्योंकि 12 साल भी सेवा पूर्ण करने वाले शिक्षक हमारे नियोजित है, 8 वर्ष वाले भी है और 5 वर्ष स्नातक ग्रेड में पूर्ण करने वाले हैं, तो इनको वह समाप्त करना चाहती है कि जो परीक्षा नहीं दिए हैं वह इसके लिए लड़ाई लड़ेगा, और न्यायालय के द्वारा न्यायाधीश जो आया है उसका वो बेनिफिट लेगा, उससे रोकने के लिए हम तमाम नियोजित शिक्षकों का पुनः वो एक चालाकी से 90 दिन के अंदर ही और चुनाव के माहौल में कि किसी का ध्यान उधर नहीं जाए, भटके नहीं और शिक्षक अपनी जुबान को नहीं खोले, वह चालाकी से पूरा सक्षमता द्वितीय परीक्षा लाया है। हम स्पष्ट तौर पर बिहार शिक्षक एकता मंच ने जो निर्णय लिया है वो स्पष्ट तौर पर कि शिक्षक आज भी द्वितीय सक्षमता परीक्षा नहीं देंगे, जिन्होंने सक्षमता परीक्षा पूर्व नहीं दिए थे, परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुए थे। साथ ही यह भी स्पष्ट करती है बिहार शिक्षक एकता मंच कि जो हमारे नियोजित शिक्षक है उनकी सुरक्षा के लिए, उनके राजकर्मी के लिए और उनके तमाम सुविधाओं के लिए हम उनके साथ चट्टान की तरह खड़े रहेंगे और वह दिला के ही दम लेंगे। साथ ही यह भी स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि जो 2020 का नियमावली है उस नियमावली में जो नियोजित शिक्षकों को प्रोन्नति का प्रावधान है वो जब तक नहीं मिलेगा तब तक सरकार की कोई चालाकी नहीं होगा। हम तो यह भी देख रहे हैं कि जिन्होंने विगत समय सक्षमता परीक्षा दी है जो पास किया वो भी नियोजित में रहकर ये प्रोन्नति का लाभ लेना चाहता है, इसलिए स्पष्ट तौर पर हम शिक्षकों से कहना चाहेंगे कि सरकार और विभाग के भ्रम में नहीं फंसना है, आपकी हकमारी हो रही है, आपके सेवा जो लेंथ है उसका हरण हो रहा है, प्रोन्नति का हो रहा है, इसलिए आप सुरक्षित हैं जहां हैं और आप पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, आपको चिंता नहीं करनी है, बिहार शिक्षक एकता मंच आपके लिए चट्टान की तरह खड़े हैं। देखिए आज सदन था बिहार शिक्षक एकता मंच का, आज 28 तारीख को पूरा सदन बैठा था और बैठ करके यह सर्वसम्मति से निर्णय लिया, संयोजक महोदय बना दिए कि किसी को सरकार के झांसे में नहीं आना है, परीक्षा नहीं देना है, और जो लाभ है आपको पेंशन का या फिर सेवा ग्रेचुटी का, प्रोविडेंट फंड का, नियमित शिक्षक के समान वेतन का, वो जो माननीय हाईकोर्ट पटना का ऑर्डर आया है जो 60 नंबर में स्पष्ट अंकित है कि राइट टू एजुकेशन का सेक्शन 23 का 3 जो वेतन और अन्य सुविधा के लिए है जो नियमित शिक्षक के समान होगा वह आपको लागू सरकार को करना होगा। सरकार यह बर्डन से बचने के लिए सब लोगों को साजिश के तहत परीक्षा दिला करके विशिष्ट बना करके नियमित शिक्षक के बराबर वेतन, पेंशन, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी का लाभ नहीं देना चाहती है, उनको प्रमोशन नहीं देना चाहती है, पिछला जो आपका सर्विस लेंथ है 17 साल, 18 साल का, 15 साल का, उसको खत्म कर देना चाहती है। उस पर सारे सदन, ये प्रदीप पर पप्पू जी का निर्णय, आनंद कौशल का निर्णय, जितने लोग भी आए हैं सभी जिला
सारे लोग ने इस पर सहमति दी है कि हम लोग नियोजित शिक्षक के रूप में राजकर्मी के साथ राजकर्मी का सब सुविधा यहाँ के नियमित शिक्षक के समान वेतन, पेंशन, ग्रेच्युटी, प्रोविडेंट फंड और अन्य लाभ, प्रमोशन का लाभ प्राप्त करेंगे माननीय हाईकोर्ट पटना के आदेश के आलोक में। और इसके लिए बिहार शिक्षक एकता मंच के द्वारा सभी नियोजित शिक्षक को यह स्पष्ट यहाँ से सलाह है कि जो भी लोग एकता मंच पर भरोसा रख करके परीक्षा में शामिल नहीं होंगे उनको न्याय दिलाने के लिए हम लोग सड़क से लेके सदन से लेके माननीय हाईकोर्ट में अवमानना दायर करना पड़ेगा तो वहां दायर करके सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ेगा तो वहां तक जाएंगे, लेकिन आपके साथ बिहार शिक्षक एकता मंच पूर्णतः खड़ा रहेगा। यह विश्वास आप लोग को आज के बैठक से दिलाने का निर्णय हुआ था, वही निर्णय के आलोक में हम लोग अपनी बात रखे हैं। आप लोग धैर्य पूर्वक अपने मान सम्मान के लिए जो माननीय हाईकोर्ट पटना है उसके सम्मान के लिए परीक्षा नहीं देकर के अपना इस निर्णय को सफल बनाइए। प्रमोद यादव, मैं पूरे बिहार के तमाम शिक्षकों से मेरा अपील है कि आज बिहार शिक्षक एकता मंच का बैठक हुआ, बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय हुआ कि जो भी शिक्षक सक्षमता परीक्षा में भाग नहीं लिए हैं वह अंतिम क्षण तक यह परीक्षा में सम्मिलित नहीं होंगे। और बिहार सरकार जो राज्यकर्मी का दर्जा जो देना चाहती है और सुविधा देकर अलावा करना चाहती है वह सभी शिक्षकों को, नियोजित शिक्षकों को जितना सुविधा है जो न्यायालय के आलोक में 90 दिन के अंदर सरकार नहीं पालन करती है तो 90 दिन के बाद कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के माध्यम से बिहार के तमाम शिक्षकों को नियम लागू करवाएंगे और सुविधा